हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ समर स्पेशल लस्सी। दही का लस्सी है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलिए कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं देखते हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हमको चाहिए दही, ये अमूल दही है, आप घर का दही भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है नारियल का बूरा, कच्चा नारियल जो है उसका बूरा ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये है चीनी, ये है काजू और चेरी जो कि हम डेकोरेट में यूज़ करेंगे। और ये है मेरे पास वैनिला एसेंस, और ये है कुछ बर्फ है, कुछ बर्फ है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम मिक्सी लेंगे, उसमें चीनी को पहले ग्राइंड कर देंगे, पाउडर बना देंगे, चीनी का पाउडर बना देंगे। तो मैंने देखिए चीनी को पाउडर कर दिया अभी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बर्फ लेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा करके बर्फ लेंगे, ठंडा ठंडा पड़ा रहेगा। पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बर्फ को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बर्फ मेरा पूरा दिख पा रहे हैं अब कैसा हो गया, पूरा पाउडर चीनी की तरह ही दिख रहा है बर्फ। अब हम इसमें ही कोकोनट को डालेंगे, जो नारियल का भूरा है उसको ही हम डालेंगे, और थोड़ा सा रखेंगे डेकोरेट करने के लिए। डाल दिए, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अब हम चीनी डालेंगे, चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर ज़्यादा मीठा चाहिए कम मीठा चाहिए आप अपने हिसाब से चीनी डालिएगा। और दही डालेंगे हम, अभी 2-3 ग्लास बना रहे हैं इसलिए इतना ही दही काफ़ी है। तो अभी हम ग्राइंड कर देंगे अच्छे से, मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3। मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, 2-3 राउंड घुमा के छोड़ देना है। देख पा रहे हैं कितना अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए मैंने अब पतीला में निकाल दिया, अब इसमें पानी मिला देंगे, ठंडा पानी थोड़ा सा मिला देंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको, स्पून से अच्छे से मिला लेंगे हम इसको। देखिए कितना ठीक लग रहा है। हम अभी अच्छे से आप चेक कर सकते हैं इसी टाइम। हम अभी थोड़ा सा चीनी ऐड कर दिए, अभी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें वैनिला एसेंस भी मैंने डाला है थोड़ा सा, 1-2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा फ्लेवर के लिए। अब हम ग्लास में इसको अभी हम ग्लास में डालेंगे इसको। थोड़ा सा जगह डेकोरेट करने के लिए रखेंगे, पूरा ग्लास को भरेंगे नहीं। देखिए 3 ग्लास पूरा हो गया। अब हम इसके ऊपर जो हमारा नारियल का भूरा रखे थे उसको डालेंगे, धीरे धीरे करके डालिए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू, क्रश किया हुआ काजू डालेंगे। और मेरे पास है चेरी, एक चेरी है, हम इसको कट कर देंगे।
हो गया हमारा रेडी समर स्पेशल।